हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव पायर, आप देख रहे हो हिंदी एक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कैंडी रॉम के बारे में। सो जैसे एक पढ़ो, मेरे पास है रेडमी 4A और रेडमी 4A डिवाइस के अंदर हमने इंस्टॉल किया है कैंडी रॉम, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। बहुत ही प्यारा रॉम है और आइकॉन पैक हमने लगाया है, कुछ इस तरह से आपको मिलता है हमें। तो पहले चलते हैं सीरीज के अंदर दोस्तों। सीरीज में से अबाउट फोन में जाके मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा दोस्तों। ये जो रॉम है एंड्रॉइड 9 पाई के अंदर है दोस्तों। फेब्रुवरी ऑफ 5/2019 का सिक्योरिटी पैच अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और जो कर्नल यूज किया गया है, तो कर्नल जो यूज किया गया है उसका नाम है मेलेडी ऑफ हार्ड। वाह, एक्चुअली डाटी कर्नल यहाँ पर यूज किया गया है। और कैंडी रॉम का यहाँ पर आप लोगों भी देख पाओगे। सो ये जो रॉम है दोस्तों, एक्चुअली रेडमी 4A के लिए अनऑफिशियल भावे लॉन्च किया गया है। ऑफिशियल ये अभी भी अवेलेबल नहीं है रेडमी 4A के लिए। और एंड्रॉइड 10 का भी अपडेट इस रॉम के अंदर से नहीं आया है, आई डोंट नो कब आएगा। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कस्टमाइजेशन इस रॉम के अंदर आपको बहुत सारी कस्टमाइजेशन दिखाई दे सकती है। तो जैसे एक बार यहाँ पर जो स्टेटस बार है कुछ इस तरह से मिलता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी अगर आपको मिल जाएगी, जो कि कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। एनीवे, और मैं जैसे कि बात कर रहा था दोस्तों, स्टेटस बार की कुछ इस तरह से हमें मिलती है। यहाँ पर हमने दोस्तों थोड़ा सा कस्टमाइज किया है और देखने में बहुत ही ज्यादा दोस्तों प्यारा आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग रिबूट का ऑप्शन मिलता है, सेंट का ऑप्शन मिलता है, हॉटस्पॉट यहाँ पर वर्किंग कंडीशन के अंदर है, वाईफाई ब्लूटूथ काम कर रहा है, फ्लैश लाइट काम कर रहा है, वॉइस कॉलिंग काम कर रहा है दोस्तों। और यहाँ पर जो इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल आपको नहीं मिलती, आप इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, जो कि काफी बुरी बात है। और यहाँ से दोस्तों आप रिकवरी के अंदर भी जा सकते हो। एनीवे, उसके बाद दोस्तों आपको मैं सीरीज दिखा देता हूँ, सीरीज के अंदर क्या क्या आपको मिलता है। छह यहाँ पर आपको मिलता है कैंडी शॉप, वाह क्या नाम दिया गया है। नीचे दोस्तों यहाँ पर सिस्टम के अंदर आपको बटन्स मिलती है, वॉल्यूम बटन्स को दोस्तों यहाँ पर चेंजेस कर पाओगे। सो कस्टमाइजेशन इस रॉम के अंदर जैसे कि मैंने बताया था आपको ढेर सारी मिल जाएगी। सो कस्टमाइजेशन की सबसे रॉम जक्कास रॉम है। यहाँ पर ब्लूटूथ अलार्म मीडिया मतलब जो वॉल्यूम पैनल स्लाइडर आपको यहाँ पर मिलती है, यहाँ सब वॉल्यूम बटन्स को कस्टमाइज कर पाओगे। पावर बटन के लिए एडवांस IME सेटिंग्स आपको मिल जाती है। सिस्टम नोटिफिकेशन के अंदर आप देखिए दोस्तों अलग अलग ऑप्शन मिल जाती है, इन कॉल नोटिफिकेशन एनिमेशन के लिए मिलती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन के अंदर मिलती है मीडिया ऑप्शन, स्लीप कंट्रोल, सिक्योरिटी ऑप्शन के अंदर देख पाओगे दोस्तों फेस ऑटो अनलॉक, फिंगरप्रिंट अनलॉक, जो कि रेडमी 4A के अंदर है ही नहीं। और फेस अनलॉक भी दोस्तों रेडमी 4A के अंदर नहीं है। एम्बलेट म्यूजिक ट्रैकर मिलते हैं, म्यूजिक विजुअलाइजर, म्यूजिक कवर आर्ट दिया गया है। लॉक स्क्रीन मैनेज लॉक स्क्रीन आइटम के अंदर लॉक स्क्रीन शॉर्टकट, क्लॉक विजेट मिलता है। उसके बाद क्विक सेटिंग्स पैनल देख पाओगे, स्टेटस बार ऑप्शन देख पाओगे, क्लॉक डेट को आप कस्टमाइज कर पाओगे, बैटरी ब्लूटूथ बैटरी स्टेटस आपको यहाँ पर मिलेगी, 4G LTE आइकॉन आपको यहाँ पर मिलेगी, कैंडी लोगो लगा सकते हो, नेटवर्क ट्रैफिक आपको मिलेगी। और नेविगेशन की बात करो तो नेविगेशन बार और हार्डवेयर किस के लिए अलग से सेटिंग्स मिल जाती है। सो कस्टमाइजेशन इस रॉम के अंदर ढेर सारी है। अगर आप इस रॉम को फ्लश करते हो तो कस्टमाइजेशन के अंदर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ढेर सारी कस्टमाइजेशन के साथ आपको मिलेगी। उसके बाद आप रिसेंट के अंदर जो आइकॉन पैक होता है उसके अंदर लगा सकते हो। यहाँ पर जो रिसेंट बार है इसको भी आप दोस्तों कस्टमाइज कर पाओगे। गेस्चर्स एनीवेयर है, 3-finger गेस्चर को सपोर्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट का जो साउंड होता है उसे बंद कर पाओगे। और यहाँ पर आपको कैटलॉग मिल जाती है। तो कस्टमाइजेशन इस रॉम के अंदर ढेर सारी है, भरपूर कस्टमाइजेशन है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके अलावा बात करूँ यहाँ पर बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ इस रॉम का काफी ज्यादा डिसेंट आपको मिलेगा। बैटरी ड्रेन बहुत ज्यादा कम होती है। अगर आप लगातार यूज करते हो दोस्तों तो आपको 4 hours की स्क्रीन ऑन टाइम ये रॉम के साथ आराम से पा जाओगे, जो कि काफी अच्छी बात है। रेडमी 4A काफी ज्यादा पुराना फोन हो गया है, फिर भी कैंडी रॉम बहुत ही अच्छी बैटरी लाइफ यहाँ देता है। बट एक चीज है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ये बहुत ज्यादा बैटरी को ड्रेन करता है, तो इसे जरूर से बंद कर देना। यहाँ पर मैं दोस्तों आपको दिखाने के लिए इसको इनेबल करके रखा हूं, तो ओवरऑल काफी अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक नहीं मिलता है रेडमी 4A के लिए, इसलिए यहाँ पर आपको ये ऑप्शन भी नहीं दिया जाता है। और उससे ऐसे यहाँ पर आपको गेस्चर्स मिलता है, जंप टू द कैमरा का ऑप्शन है। अगर आप कैमरा को पावर मेनू के दोबारा प्रेस करते हो दोस्तों कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर बात करूं कैमरा 2 API की, तो यहाँ पर आपको दोस्तों लेवल 3 का सपोर्ट मिलता है। इसका मतलब क्या है भाई साहब, बोलिए बोलिए बोलिए। इसका मतलब है जो गूगल कैमरा है रेडमी 4A डिवाइस के अंदर काम करना चाहिए, बट यहाँ पर देख पाओगे क्रैश कर जाएगा। आई डोंट नो वाई, बट गूगल कैमरा को यहाँ पर काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। गूगल कैमरा के अंदर लेवल 3 का सपोर्ट भी है, फॉर जो गूगल कैमरा है दोस्तों काम नहीं कर रहा है। सो अगर मैं बताऊँ दोस्तों इस रॉम का अंदर एक चीज है, ये डेवलपर टूल्स है। इसका मतलब ये जो रॉम है दोस्तों डेवलपर की तरफ से आती है, बीटा स्टेज के अंदर है, अनऑफिशियल बिल्ड है। इसका अभी भी ऑफिशियल स्टेबल वर्जन रिलीज नहीं हुआ है, फिर भी दोस्तों ये जो रॉम है काफी ज्यादा स्टेबल आप कह सकते हो। डेली लाइफ की सबसे इसका बैटरी लाइफ पसंद आया, इसका जो परफॉर्मेंस है आपको डिसेंट परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर आप इस रॉम को डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और इस रॉम को इंस्टॉल करने के लिए आपके रेडमी 4A के अंदर TWR रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। सो मैं आशा करूं ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करके घंटे बटन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू वेरी मच।